दोस्तों नमस्कार, केपी टीचर एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस पैडागोजी का 30 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा सीटेट परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेगेटिव में पूछा गया है, या क्योंकि यहां पे पूछा गया सबसे कम उपयुक्त तो क्या है, या मतलब कौन सा कथन है? तो यहां पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सेकेंड है सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। थर्ड है ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। फोर्थ है बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनकी बेहतर या सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी प्रकार के कार्य होने चाहिए। तो जब भी मैं जैसे कि फोर्थ में बोला गया पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चे का पूरा डाटा होता है, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम थर्ड के अकॉर्डिंग बात करें ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां करते हैं, तो इससे क्या बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में, हमें क्या नेगेटिव में आंसर छांटना है। अगर हम इसके बात करें कि संकेतकों की उपसंकेतकों की सूची बनाना, इससे भी क्या हम बच्चे का डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो इससे भी बेहतर पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे कम उपयुक्त आंसर छांटना है, वो है हमारा बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण की फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो यही हमारा सबसे बेहतरीन या करेक्ट आंसर है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। बच्चों से क्रियाकलाप कराया जा रहा है इसमें कि अपने आसपास के घर के पास में, स्कूल के पास में देखे हुए जानवरों के छोटे बच्चों के नाम लिखवाए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया जा रहा है, या प्रकरण कौशल की बात हो रही है? तो जैसे कि फर्स्ट है वर्गीकरण एवं चर्चा, सेकंड है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, थर्ड है न्याय के लिए सरोकार, फोर्थ है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो देखो हम यहां पर न्याय के लिए तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे क्योंकि हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं यहां पर, और प्रयोग भी नहीं कर रहे, इसलिए हमारे दोनों आंसर नहीं बैठते। तो बचता है पास में फर्स्ट और फोर्थ। तो अगर हम बात करें वर्गीकरण की चर्चा, तो क्यों मैं यहां पे हम चर्चा नहीं कर रहे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं नोटबुक में उनका नाम दर्ज कर रहे हैं बस। तो क्या कर रहे हैं हम यहां पे, आंसर जो हमारा बेहतरीन हो जाएगा वो जाएगा करेक्ट आंसर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, क्योंकि अपनी समझ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, उनके जानवरों के नाम लिख रहे हैं बच्चों के अपनी समझ के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ ही साथ में लाइक करते रहें। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सेकंड है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, थर्ड है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, फोर्थ है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। देखो यहां पे जो बात की गई क्वेश्चन में वो अध्ययन पर्यावरण अध्ययन की अंत ही विषय प्रकृति की पर्यावरण मुद्दों की बात की जा रही है। तो यहां पे देखा जाएगा कि फर्स्ट में जो बात कर रहा है ऑप्शन में, यहां पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, सेकंड में देखा जाए सामाजिक विज्ञान और इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, यहां पे थर्ड में देखा जाए तो ओनली विज्ञान की बात कर रहा है। अगर फोर्थ में देखा जाए तो फोर्थ में देखा जाए विज्ञान की बात कर रहा है, समाज विज्ञान की बात कर रहा है और इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कक्षा फिफ्थ ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ए पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा फिफ्थ बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, बी है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। दो टीचर हैं दो क्लासों के, वो क्या कर रहे हैं फिफ्थ ए और फिफ्थ बी दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ए वाले दे रहे हैं कि 5 लाभ लिखिए, बी वाले दे रहे हैं अगर पेड़ ना होता तो क्या होता। तो इस प्रकार से देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके। फर्स्ट है ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है,
सेकंड है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी अंत वाला अपसारी है। सी एस थर्ड इसमें ए अंत मुक्त वाला अभिसारी है सॉरी अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। फोर्थ है इसका ए बंद अंत वाला अपसारी है और बी अंत वाला अभिसारी है। तो देखो ऑप्शन आपको देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इसका ऑप्शन छाटने का एक तरीका बेहतरीन तरीका बताते हैं आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेड़ों के पांच लाभ लिखिए और बी में दिया गया अगर पेड़ ना होते तो क्या होता धरती पर। तो यहां पर देखा जाए कि यहां पर रटंत प्रणाली की बात की जा रही है, बच्चों ने पढ़ा और लिख दिया, पढ़ा और लिख दिया। और यहां पर क्या है एक जैसे कि और दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा सेकंड में बोला अगर पेड़ ना होते तो क्या, यहां पे बच्चे कल्पना करेंगे संरचना शक्ति बढ़ेगी इसमें चिंतन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा अपसारी है। जैसे कि यहां थर्ड वाले में क्या कर रहा है सॉरी बी वाले में क्या कर रहा है अपसारी ऐसे काम कर रहा है तो हमारा जो सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा सेकंड वाला। क्यों जाएगा क्योंकि यहां पर जो मुक्त अंत वाला है हाली अपसारी यहां पे क्या लिखे हमें बंदे बताए आंसर दे रहे हैं यहां पे हम लोग जो हमारी बुक में हो नोटबुक में वो हमने आंसर दे दिए मगर यहां पे बी वा क्या कर रहा मुक्त अंत वाला मतलब हम खोलकर सोच रहे हैं थिंकिंग कर रहे हैं तो यही है अपसारी। ये अपसारी और अभिसारी हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे ये बहुत अच्छा टॉपिक इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है या सत्य है। तो फर्स्ट क्लास में एनवायरमेंट के बारे में पूछा गया कथनों के बारे में तो फर्स्ट देखते हैं मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को समझ इसमें आनंद आता है। थर्ड है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। फोर्थ है किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन में जो कर रहे कक्षा फर्स्ट के जो बच्चे हैं एनवायरमेंट की जो विद्यार्थियों के आकलन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कथन दिए कथन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे जो बेहतरीन जो बेस्ट आंसर होगा देखा जाए तो वो हो जाएगा और फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला क्यों होगा इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि अगर जो बच्चे यहीं नहीं बोलते हैं या लिखने में सक्षम नहीं होते हैं तो उन्हें क्या करना होगा हमें मौखिक परीक्षा लेनी होगी। तो छोटी बच्चों में क्लासों में क्या मौखिक परीक्षा बेहतरीन तरीका होता है। सेकंड में देखते हैं कि बच्चों को ड्राइंग करने में बहुत आनंद आता है या आप लोगों ने देखा भी होगा तो ये भी हमारा बेस्ट है। और शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा बेहतरीन कथन है और ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कक्षा फिफ्थ की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है फिर वह फॉइल को मड़ोड़कर जोर से दबाती है या निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है और शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है फिफ्थ क्लास की एक शिक्षिका है तो वो एल्युमिनियम फॉइल लेती है पहले तो पानी डाल देती है वो तैरता है फिर उसे निकाल कर निचोड़ कर या मड़ोड़ कर उसे गेंद बना के डाल देती है पानी में तो वो क्या डूब जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर हमारा सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा फर्स्ट वाला परिकल्पना कौशल का क्योंकि क्या बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ऐसा पहले क्यों हुआ इसने क्यों पहले क्यों तैरा था और बाद में ये डूब क्यों गया। तो यहां पे परिकल्पना इसके बारे में सोचने थिंकिंग बारे में बात की जा रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को साथ में लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं इसे। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यहां पे सिवाय का मतलब है नेगेटिविटी पूछना बाकी के तीन इसे फॉलो कर रहे हैं एक फॉलो नहीं कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत सारे मिल जाएंगे ये हमें जरूर देखना होगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन समझते नहीं है और आंसर दे देते हैं इसलिए इन चीजों को बहुत जरूरी से देखना है हमें। फर्स्ट इसका आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। सेकंड है बच्चे की असमता का पोषण करने। थर्ड है वास्तविक अवलोकन के साथ सॉरी स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। फोर्थ है
पाठ्य वस्तुओं और संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देने। तो यहां पर एक फॉलो नहीं कर रहा, बाकी तीन फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो देखो यहां पर पाठ्य वस्तुओं की बात की जा रही है और संदर्भ बहुलता की, तो यह भी क्या है, बढ़ावा देना, क्या इससे बच्चा सीखेगा एनवायरमेंट में देखा जाए तो। अगर हम सेकंड में बात करें तो बच्चों की अस्मिता या व्यक्तित्व पोषण की बात की जा रही है, ये भी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आता है, अंतर्गत आता है। यहां पर आलोचनात्मक चिंतन की बात की जा रही है और समस्या समाधान की बात की है, तो ये भी क्या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, संवर्धन क्षमता बढ़ाने की बात, तो ये क्या, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पर हमें नेगेटिव आंसर छांटना होगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि वास्तविक अवलोकन स्थान पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की बात की जा रही है, यहां पर ओनली पाठ्य पुस्तक ज्ञान की बात की जा रही है, उसी को श्रेष्ठता स्वीकार करने की बात की जा रही है, इसलिए हमारा क्या नेगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ कहता है हमें इन्वायरमेंट से जुड़कर बच्चों को पढ़ाना है, न कि पुस्तक की कीड़ा बना के उन्हें चलना है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ साथ लाइक एंड शेयर करते रहें। महेश कक्षा फोर्थ के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन बोला गया है कि महेश एक फोर्थ क्लास के टीचर है, वो वन संरक्षण या वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया करते हैं या योजना बनाते हैं, तो उनके लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। फर्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, सेकंड है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, थर्ड है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, फोर्थ है समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों को समूह बनाना। देखो तो बहुत सारे बच्चे क्या है फोर्थ वाला दे देंगे आंसर, फोर्थ और थर्ड में बहुत सारे बच्चे जाएंगे, मगर ये हमारे आंसर क्या है नेक गलत हो जाएंगे, इस रॉन्ग आंसर। हमें क्या देना, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे जब टीचर क्या सोच रहा है, योजना बना रहा है कि वृक्ष संरक्षण की योजना बनाई जा रही है, तो यहाँ पे हमें क्या है समूह चर्चा से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि समूह चर्चा सिर्फ एक हम क्या है एक बैठकर बातें करेंगे क्लास में एक डिस्कस करेंगे, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, इससे भी बेहतरीन फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखा कि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा, वो भी ये डिस्कस टाइप का हो जाएगा, इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। थर्ड में दिया गया पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित प्रोत्साहित देंगे, तो इसमें भी क्या है बच्चे पोस्टर बनाएंगे प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ कर क्या एक दूसरे पे वो करेंगे, तो इसमें भी कोई ज्यादा बेहतर लाभ नहीं होने वाला, सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि यहां पे एक पौधे को अपनाना और उसके पोषण के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करेंगे, बाकी की देखो जाए तो इनमें तीनों में कोई बच्चा नहीं लेगा, कोई ले रहा होगा भाग, मगर यहां पर देखा जाए फर्स्ट वाले सेकंड वाले में प्रत्येक बच्चा भाग ले रहा है यहां पे और उसे अभिप्रेरित कर रहे हैं, तो क्या है बच्चे का डायरेक्टली उसमें टच में आएंगे प्लांट के में या पौधों के में, तो उससे क्या है अच्छा फर्क पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ कथन देखते हैं, फर्स्ट है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सेकंड है यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा बेहतर बनाता है, थर्ड है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, फोर्थ है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उजाला जा रहा है कि इन्वायरमेंट की जो कक्षा है बच्चे से शिल्पकला और चित्रकला में समूह सीखने विशेष आनंद या पसंद करते हैं, ग्रुप में सीखना अच्छा पसंद करते हैं, तो फर्स्ट है जैसे कि बढ़ावा देता है, सेकंड में सामाजिक बेहतर बनाता है, और इसमें क्रिएटिविटी की बात की जा रही है थर्ड वाले में, तो हमारा इससे हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि बच्चे क्या है समूह सहपाठी के साथ में अच्छे तरह से सीखते हैं, लर्निंग अच्छा होता है, सामाजिक को बेहतर बनाता है सेकंड अकॉर्डिंग, और क्रिएटिविटी की प्रशंसा की जाती है, तो बच्चे उससे अभिप्रेरित होते हैं। अगर किसी बच्चे से गुड वेल डन बहुत अच्छा, तो बच्चा क्या आंतरिक प्रेरित होगा अभिप्रेरित होगी क्या करे बच्चा प्रेरित होगा और अच्छे से और कार्य करने की कोशिश करेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन चित्र पठन, सेकेंड है सृजनात्मक लेखन, थर्ड है न्याय दर्शन या प्रदर्शन, और फोर्थ है हस्तपरक।
देखो यहाँ पे प्रयोग की बात की जा रही है, यहाँ पे पेन से भी टिक हो रहा है, प्रयोग की बात की जा रही है और आकलन संकेतक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे चित्र पठन से तो कुछ नहीं होने वाला कि बच्चे का चित्र देखा वो पढ़ देगा चीजें। यहाँ पे क्रिएटिविटी से भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लेखन की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी लेखन की बात की जा रही है, इससे भी कुछ नहीं होगा। और न्याय दर्शन या प्रदर्शन से भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे क्या सबसे बेहतरीन हमारा करेक्ट आंसर होगा, हस्तपरक गतिविधि। बच्चा हाथ से करेगा तो जल्दी सीख जाएगा और आकलन का संकेतक भी है। तो चलिए आंसर जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे, इतनी मेहनत करने वाला तो लाइक तो बनता है। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। फर्स्ट है सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। फर्स्ट है परिवार एवं समुदाय, सेकंड पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड है शिक्षक, फोर्थ है कहानियां एवं कविताएं। सभी विकल्पों को चुनिए, हमें क्या करना है यहाँ पे सही विकल्प को यहाँ पे चॉइस करनी है। तो देखा जाए जैसे इसके अकॉर्डिंग तो प्राथमिक लेवल पर जो वैकल्पिक अवधारणाएं दी गई हैं वो निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु है, जलचक्र आदि पौधों के बारे में बात की गई है। तो अगर यहां पर हम प्राथमिक लेवल पर बात करें तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाए हमारा सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले पर जो बात कर रहा है यहां पर परिवार और समुदाय से बच्चे सीखते हैं, पाठ्य पुस्तक से भी और अन्य पुस्तकों से भी, शिक्षक से भी और कहानी कविताओं से भी। इज द करेक्ट आंसर इज द सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच के जार और बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन बोले लगा गया कि कांच के बोतल व जार को हम धूप में सुखाते हैं, ऐसा क्यों कराया किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उनके तापमान वृद्धि करने के लिए, सेकंड उन्हें धूल को उठाने के लिए, थर्ड है नमी को पूर्णतः उठाने के लिए, फोर्थ है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे फोर्थ है क्यों, अचार तो स्वादिष्ट मसालों से बनेगा तो ये तुम्हारा आंसर होगा नहीं। तापमान हमें बढ़ाने की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि तापमान कैसे बढ़ेगा, मतलब ही बनता, धूल तो हमने साफ करी तो धूल तो वैसे हट जाएगी। तो आंसर कौन सा बचता है हमारे पास में, थर्ड वाला, पूर्णतः नमी को हटाने के लिए। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा डब्बे वगैरह में जब साफ करते हैं तो धो के धूप में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा गीला होता है तो वो पानी वैसे क्या सूख जाता है। इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो के साथ साथ में लाइक करते रहे। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआ दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है, कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट है पेड़ों कुएं और उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, सेकंड है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो देखा जाए देखो हमारा ये इसका देखा जाए पेड़ों और कुओं के आसपास की जमीन को क्या सीमेंट से ढक गया है, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है तो पानी क्या सीधा बह जाता है या नालों में चला जाता है, तो नदियों से समुद्र चला जाता है, वहाँ पानी रुकता नहीं है, एक ये भी कारण होता है। दूसरा क्या आसपास में बोरवेल लग गए हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ के उस जो कुएं के आसपास लग जाएंगे तो क्या होगा, जहाँ का जो पानी होगा वो अंडरग्राउंड वाटर गार्ड से खींचेंगे तो पानी में ऑटोमेटिकली वहाँ कम हो जाएगा। तो हमारा इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इसे फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ में लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन है बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है, सेकंड है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, थर्ड है बगुला भैंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, फोर्थ अकॉर्डिंग। तो बगुला भैंस को तो डरा नहीं सकता इसे तो हम हटा देंगे, और संसाधन भी नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बगुला उसे भैंस को प्रयोग कर रहा है, तो ये दोनों नहीं है हमारा सेकंड और फर्स्ट में। तो मनोरंजन तो बगुला करेगा नहीं क्योंकि मनोरंजन कैसे होगा बगुला होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बढ़ता, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध है। कैसे सहजीवी संबंध है? क्योंकि बगुला जब भैंस के ऊपर बैठेगा तो उसके जो जू होते हैं या उस पर बैक्टीरिया या उस पर जो कुछ कीड़े टाइप के लगे होते हैं तो उन्हें वो खाता रहता है और उन्हें भैंस से कोई नुकसान नहीं होता है उसके खाने से, और उसे बेनिफिट मिलता है, ये फायदा होता है, तो इसलिए सहजीवी संबंध है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है, बच्चे पॉजिटिव में पढ़ते हैं और आंसर तुरंत क्लिक कर देते, इसलिए आंसर क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ना। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन भंडारण या संचित करना, सेकेंड है ह्यूमस उपलब्ध कराना, थर्ड है पौधों को सहारा देना, फोर्थ है जल एवं खनिजों का अवशोषण करना।
तो देखा जाए यहां पे देखो, ये हमारा पॉजिटिव है, जल अवशोषण खनिजों का करती है, जो जड़े पौधों को सहारा देती है, ह्यूमस को भी उपलब्ध कराती है, जो नहीं होता वो क्या होता है, भोजन का भंडारण नहीं होता जल में, वो किस समय तने में होता है, तो इसलिए हमारा इस दिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ में लाइक एंड शेयर करते हैं। कर्ण मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कर्ण मल्लेश्वरी है, उनके कथन दिए हैं, विचार करना है उनपे। तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड है वह कर्नाटक की है, थर्ड है उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 ग्राम का भार उठा सकी थी, फोर्थ है वह जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही हैं। तो ये कथन दिए गए, उनके पढ़ के में बताना होगा। तो ये हमारा जैसे देखा जाए कि वो भारोत्तोलक हैं, कर्ण मल्लेश्वरी आपने पढ़ा होगा, एनसीएफ में दिया हुआ है, कक्षा 4-5 की किताब में दिया गया है, इस पर डिस्कस करेंगे एनसीएफ के बारे में। दूसरा दिया गया आप, वो कर्नाटक की नहीं है, ऐसा नहीं है वो कर्नाटक की नहीं है, तो ये हमारा इसमें नहीं आएगा। बाकी के इसमें दिया कि वो रिकॉर्ड है उनके नाम पे और 130 ग्राम की वेट लिफ्टर है, 12 साल से उन्होंने तैयारी की है, ये भी सही है, मगर हमारा जो नहीं है वो क्या है, कर्नाटक की नहीं है। तुम्हारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा आंसर इज द करेक्ट, कौन सा जाएगा हमारा, सेकंड वाला, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ में लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्न कथन में से कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है वे जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड है समुदाय के स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। थर्ड है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। फोर्थ है उनमें केवल दूषित जल होता है। तो यहाँ पे कथन दिए गए उनको पढ़ना है हमें। तो देखो बावली जो कि राजस्थान में अपने लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पे बनाई जाती थी, जो कि जल भंडारण के लिए हमें काम आती थी, पारंपरिक ये व्यवस्था थी और इसे सभी लोग इसे प्रयोग करते थे। और इसमें एक दिया गया कि वर्षा रहित राज्यों में, जो कि राजस्थान में बनाई जाती थी। तो हमारा यहीं से तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा वाला हो जाएगा, सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ में लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में, बरली क्या एक पारंपरिक कला भी है और नाम भी दिया है, तो वो किस राज्य में पड़ता है, तो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में जगह का नाम है बरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य या तमिलनाडु के आसपास के राज्य के बारे में पूछा गया। फर्स्ट है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड है केरल, गुजरात और कर्नाटक। थर्ड है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। फोर्थ है गोवा, कर्नाटक और केरल। तो यहां इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि तमिलनाडु के आसपास जो राज्य पड़ते हैं वो है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। एक बार मैप को जरूर चेक करेगा तो तुम्हें यह क्वेश्चन हमेशा के लिए रट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया किसकी इतनी सुनने की क्षमता तीक्ष्ण ध्वनि है या क्षमता है कि वह पत्ते, जो वायु पत्ते हिलते हैं उनकी ध्वनि को और घास पर जो जानवर चल रहे हैं उनकी ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो वो हो जाएगा हमारा बाघ। बाघ ही ऐसा है वो अपने शिकार को पहचानने के लिए, इसमें एक क्षमता, ये तीक्ष्ण एक कला होती है या ये कुदरत की देन होती है। तो ये हमारा जो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा वो बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ में लाइक करते रहें, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें किस पर्वतों से हैं। क्वेश्चन पूछा गया कोई व्यक्ति अहमदाबाद से ट्रेन से जा रहा है और केरल की तरफ जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो कौन कौन सी सुरंगें पड़ती हैं और किन पर्वतों से पड़ती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विंध्याचल, सेकंड है अरावली, फोर्थ है पश्चिमी घाट और सॉरी थर्ड है पश्चिमी घाट, फोर्थ है पूर्वी घाट। तुम्हारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट से क्या है ये अहमदाबाद के लिए जाएंगे, सॉरी अहमदाबाद से केरल जाएंगे तो ये सुरंगें पड़ेंगी पश्चिमी घाट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। पृथ्वी गोल है, वास्तविक में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है अगर पृथ्वी गोल है तो वास्तव में उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मगर देखा जाए तो भारत के
सापेक्ष मतलब विपरीत दिशा में कौन सा देश होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अलास्का यूएसए, सेकंड है लीविया, थर्ड है अल्जीरिया, फोर्थ है अर्जेंटीना। तो हमारे जो भारत के जो सापेक्ष में होगा, अगर आप कभी ग्लोब का देखें, ग्लोब पर जाकर देखें, अगर हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैप पर आप टच करें, गूगल पर जाकर देखें, तो हमारा सबसे बेहतरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अर्जेंटीना होगा, इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, सेकंड है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, थर्ड है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, फोर्थ है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहां पर मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए बोला गया है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे किस लिए होता है, इसमें ये चीजें पूछी गई हैं। तो देखा जाए तो जो मलेरिया फैलता है इस पर ऐसी चीजें आपने टीवी पर ही देखा होगा, एड भी देखे होंगे, हमें क्या करना है, आसपास पानी नहीं भरने देना है, गड्ढों को ये करना है वो करना है, इस तरीके कूलर का पानी चेंज कर देना है, तो आपने ये सारी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करना है, तेल की सलाह दी जाती है कि आसपास के गड्ढों में तेल डाल दिया जाए और मच्छर वहां पर मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि जब हम पानी पर तेल डालते हैं तो उसकी लेयर क्या बन जाती है और लार्वा पे आके जम जाती है और वो लार्वा क्या भारी हो जाते हैं और पानी में आके डूब जाते हैं और उनकी क्या है ऑक्सीजन मिलने की क्षमता या ऑक्सीजन आपूर्ति कट जाती है जिससे कि लार्वा मर जाते हैं और उनकी यहाँ पर रोकथाम होना स्टार्ट हो जाती है। यही कारण है कि तेल आपूर्ति ऑक्सीजन को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, यही कारण है। और आंसर इज द करेक्ट है हमारा फर्स्ट वाला। अगर फिर भी कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में पूछा गया है, सीटेट में ऐसा बहुत होता है, क्वेश्चनों को जरूर एक बार सही से पढ़ना है तभी आंसर देना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है ततैया या बर, सेकंड है चींटी, थर्ड है डीमक, फोर्थ है मकड़ी। तो आपने देखा होगा अपने घरों में ततैया जो बर होती है पीली वाली होती है वो क्या होती है, एक कॉलोनी बनाकर रहती है, एक गुच्छा सा बनाएंगी उसमें आकर रहेंगी। चींटियां भी इकट्ठा रहती है, सामाजिक प्राणी होती है, डीमक भी सामाजिक प्राणी होती है, ये भी कॉलोनी बना के रहते हैं, बहुत सारे इकट्ठा मिलेंगे आपको ये रहते हुए। मगर हमारा जो आंसर बचता है, जो आंसर हमारा नेगेटिव होगा कौन सा होगा, मकड़ी। मकड़ी कभी कॉलोनी में या उस तरीके से नहीं रहती, वो सिंगल रहती है, आपने देखा जाला बनाते हुए अपने घरों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को साथ में लाइक एंड शेयर करते रहें, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाए एडजस्ट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की वायु जलवायु या मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं, एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर जो गांव में मकान बनाए जाते हैं तो वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग होते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं, तो एक गांव के कुछ करैक्टर दिए गए, उन्हें पढ़ते हैं, कथन दिए गए। फर्स्ट है मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं, सेकंड है अंदर से भी अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बनते हैं या बने होते हैं, थर्ड है मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छत ढालू होती है, यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो यह किस गांव में होगा, आसाम में। इस प्रकार के मकान कहां बनते हैं, आसाम में, क्योंकि बांस के जो मकान बनते हैं, जब बांस की बात आ जाए ना, बांस की बात आए तो वो आसाम में ही मकान बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आसाम, और सबसे ज्यादा बारिश भी आसाम में ही होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और बाढ़ भी दौड़ी जाती है क्योंकि ढालू जगह होती है, इसलिए वहां पर आसाम इज द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक भाषा के बारे में पूछा गया, फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ है झारखंड। तो कुड़ुक की जो भाषा है वो कहाँ की होगी, ये हो जाएगी झारखंड की, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। निम्नलिखित पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम या विषय वस्तु है। तो पर्यावरण अध्ययन की थीम पूछी गई है NCF 2005 के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हो जाएगा जैसे भोजन, सेकंड है सौरमंडल, थर्ड है मौसम, फोर्थ है सौर ऊर्जा। तो थीम थी भोजन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? सबसे महत्वपूर्ण कथन या तर्क पूछा गया है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑप्शन है यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड है यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को समृद्ध करने में मदद करता है। फोर्थ है यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो थीम होती है वो किस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण आधारित होती है या उपागम होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि यह पाठ योजना को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों साथ में, और इतनी मेहनत करने के बाद लाइक तो बनता है एक। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ये भी क्या क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, तीन या पॉजिटिव में दिए होंगे, बाकी हमें एक नेगेटिव में छांटना है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कक्षा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने के लिए कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है, और पर्यावरण की कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को सबसे या शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया। तो कहानी को हम शिक्षण कौशल में करते हैं शामिल, तो उसे कम ही पुख्ता हमें आंसर देना है। फर्स्ट है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सेकंड है कहानियां अनेक विषयों को छूती हैं। थर्ड है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। फोर्थ है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ करती हैं। तो देखो फोर्थ में ये कहता है कहानियां पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा को संबंध जोड़ती हैं, बिल्कुल सही बात है। कहानियों के एनवायरमेंट के बारे में भी बातें की जाती हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं फर्स्ट वाले में, तो क्या व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं कहानी में? कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिससे उसमें व्यक्तियों के अनुभव शामिल हों, और सेकंड में देखा जाए तो अनेक विषयों को छूती हैं। ये कहानियां क्या हर एक विषय के अकॉर्डिंग आधारित होती है, तो हमारा जो सबसे कम उपयुक्त होगा सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला, क्योंकि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, तो कक्षा प्रबंधन में सहायता या उसमें मैनेजमेंट में कोई इसका रोल नहीं होता है, इसका उपयुक्त होगा सबसे कम उपयुक्त होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट है परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। फोर्थ है बच्चे को केवल लिखित या जानकारी दी जानी चाहिए। तो फोर्थ वाले में दिया जा रहा है कि बच्चे में क्या केवल लिखित जानकारी दी जानी, तो ये हमारे केवल क्या है हमेशा नेगेटिव चीज दर्शाते हैं या नेगेटिव कीवर्ड उसको होते हैं, जहां भी आपको ऑप्शन में या सेंटेंस में दिख जाए केवल तो हमारा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हटा देंगे इसे। फर्स्ट वाले को देखा जाए तो यहाँ पे परिभाषा की बात कर रहा है, तो ये क्या व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, तो क्या है यहाँ पर एक रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, क्योंकि व्याख्यानों को यहाँ दूर रख रहा है परिभाषा को दूर, तो ये क्या व्याख्यान और रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना भी क्या है एक हमारा नेगेटिव वर्ड है, रटकर और हतोत्साहित दोनों ही हमारे क्या है नेगेटिव वर्ड, ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा इसके अंदर, तो हमारा हो जाएगा कौन सा आंसर होगा केवल फर्स्ट। केवल फर्स्ट किस में दिया गया हमारा थर्ड में इज द करेक्ट आंसर। सॉरी मैंने मिस्टेक किया क्वेश्चन देखने में, थोड़ा क्वेश्चन दोबारा समझते हैं, ये हमारा केवल ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, सॉरी थर्ड वाला आंसर नहीं होगा, एक बार चेक करते हैं आंसर को दोबारा से। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट है परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव में दे रहा है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव में दे रहा है, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव में हो जाएगा, हमें थोड़ा देखने में मिस्टेक कर दी, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी क्या है हमारा रटकर सीखना को हतोत्साहित करना चाहिए, हमें बढ़ावा नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे ये बढ़ावा नहीं दे रहा, इसे नेगेटिविटी की तरफ दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव की तरफ लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे रटकर सीखने को हतोत्साहित करने की बात कर रहा है। यहाँ पे जो कीवर्ड दिए गए हैं वो क्या है एक
पॉजिटिव तक तक की तरफ सेंटेंस को ले जा रहे हैं, इनका प्रयोग इस तरीके से किया गया। हमें थोड़ा क्वेश्चन को समझना होगा, सबसे बड़ी चीज यही होती है चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा यह मिस्टेक हुई हमसे भी। सेकंड थर्ड में दे रहा है बच्चों को प्रश्न करने और सीखने का मौका मिलना चाहिए, ये तो और पॉजिटिव है डायरेक्टली। यहाँ पे फोर्थ में दे रहा है बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, ये हमारा नेगेटिव है, ये तो हमारा कंप्लीटली नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये तो नहीं होगा। तुम्हारा जो कि फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव में दिया गया है, क्योंकि परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखना चाहिए हमें, परिभाषा की तरफ रटंत प्रणाली की तरफ नहीं चाहिए, हमें बच्चों को एक्सप्लेन करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टच में रखना चाहिए, तो ये चीज में दी गई है कुछ, ये सेंटेंस बोल रहा है। और सेकंड बोल रहा है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब रटकर सीखने को प्रोत्साहित करने की ना कहकर हतोत्साहित करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव में लेना होगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। अगर क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो लंबा रहता है कोई बात नहीं, सीखने के लिए हमें अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं न्यू वीडियो में।